नमस्कार एएस माझी यूट्यूब चैनल के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो है दो दिन के बाद थोड़ा सा अच्छा लगा तो मैं आज फिर प्रारंभ कर रहा हूं। देखते हैं वीडियो क्या हो रहा है, तो बने रहिए वीडियो पे शुरू से लेकर अंत तक। आज का हाल कुछ ऐसा है कि आज हमको स्कूल जाना है। वैसे तो रोज जाते हैं लेकिन आज 2 तारीख से बच्चों को भी आना है 50-50 करके ऐसे करके कहा गया है। तो आज का दिन कैसे रहता है देखते हैं। तो फिलहाल मेरे को जो है कुछ मतलब इतना अच्छा तो नहीं लग रहा है, मेरा शरीर जो है इतना इम्प्रूव नहीं हुआ है, फिर भी जो है जाऊंगा स्कूल और आज का आपको हाल बताने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो पे शुरू से लेकर अंत तक और देखते हैं आज का क्या होता है। तो फिलहाल मैं तैयार हो जाता हूं, उसके बाद जो है स्कूल जाने का तैयारी करता हूँ। फिलहाल देखते हैं घर में क्या बना है। बुखार के कारण कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा है, मुँह थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। कल जो है मैं कुछ खाने का कोशिश कर रहा था तो रोटी वोटी तो खिलाया लेकिन खाना खाने का कोशिश किया चावल के रूप में तो मेरे को नहीं खिलाया। आज देखता हूँ क्या होता है। वैसे नाश्ता के रूप में तो बन गया है अपना जो रोटी है, लेकिन मैं रोटी एक खाया उसके बाद फ्रेश होने के लिए गया था। आप देख सकते हैं इसको मैं नहीं खाऊँगा, पेट भरा हुआ टाइप का लग रहा है, खाने के लिए भी मन नहीं कर रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये जो है करेला है, करेला का भूंजी कहना चाहिए, भूंजी मतलब इसके भरता है शायद, इसको क्या बोलते हैं मेरे को भी मालूम नहीं है। ये करेला के अंदर में भरता के रूप में ये बनाया गया है। आपको इसका फ्लैश लाइट चालू करके दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये करेला को बनाया गया है भरता के रूप में। ये इसके अंदर मसाला डाल के इसको देखने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन खाने में थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। ये दाल है अपना और ये चावल है, लेकिन चावल को खाने के लिए भी मन नहीं कर रहा है। इसमें जो है मैं सोच रहा हूँ कि जो पानी को गर्म पानी को डाल के उबाल के मतलब पानी डाल के खाऊंगा तभी जाके ये खिलाएगा जैसे लग रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, खिलाता है नहीं खिलाता है। फिलहाल अपना टाइम हो रहा है जाने का, तो ये सब कार्य को जल्दी से किया जाए। तो मैं सोचा आज कैसे करूँ करके, घर में सब्जी वब्जी बना है लेकिन खाने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं ये चावल में पानी को डाल दिया हूँ गरम वाला और उसको खाने का कोशिश कर रहा हूँ। क्या है मेरे को गोली भी खाना है, 4 गोली है, एक सिरप है, तो ये सबको खाऊंगा। यदि खाली पेट में कुछ नहीं खाया रहूँगा तो उसका कुछ साइड इफेक्ट भी हो जाएगा। मेरे को स्कूल भी जाना है और स्कूल में कुछ टाइम तक बिताना भी है। यदि खाली पेट में खाते हैं और 4-5 घंटा ऐसे रह जाएंगे तो उसका कुछ गलत असर पड़ेगा, इसलिए मैं ज़बरदस्ती जो है सिर्फ चावल को ही खा रहा हूँ। बाकी देखता हूँ फ्रूट्स वगैरह मिलेगा बाजार में तो ले लूँगा। वैसे मैं जब स्कूल टाइम में मेरे को मैं बाहर में था बैचलर हिसाब से, तो स्कूल जाता था या लेट हो जाता था मेरे को जाने के लिए, तो मैं इस प्रकार से कुकर में खाना बना देता था हड़बड़ी में और पानी डाल के जो है मैं अचार के साथ भी खा के जाता था। तो ऐसा कंडीशन है, मैं गुजर चुका हूं, तो इस प्रकार से खा के जैसे अपने शरीर को पोषण देने का कोशिश कर रहा हूं। यदि नहीं खाता हूं तो उस स्थिति में कमजोरी भी हो सकता है, इसीलिए जो है जैसे भी अन्न अंदर जाए ऐसे सोच के जो है मैं इस को हम लोग छत्तीसगढ़ी में पेज बोलते हैं, मैं भात को पेज बना दिया हूँ और पेज के रूप में इसको खाने का प्रयास कर रहा हूँ। खाओगे बेटा? मैं देख बेटा खाना वाना नहीं खिला रहा है मेरे को, तो पेज बना के खा रहा हूँ मैं। एक ठो कहावत है छत्तीसगढ़ी में, चुटकी में बासी और बटकी में नून, गावत है ददरिया ते कान दे के सुन। तो खैर ये बासी तो नहीं है, पेज है, जो भी अच्छा लगे आदमी को उसी को खाना चाहिए, बस मन जो है ठीक रहना चाहिए। अच्छा नहीं लगा था यार। मैं जो है घर से स्कूल आ गया हूँ, स्कूल आने के बाद कुछ टाइम हम लोग बिताए, इसके बाद खाली टाइम हुआ है तो हम लोग जो है सामने चंडी माता का मंदिर
है वहां पे एमएस माझी में जो है उसका विस्तृत विवरण आपको मिलेगा। इसमें जो है डेली ब्लॉग है तो यहाँ पे मैं उसको डाल नहीं पाऊंगे, उस मंदिर के बारे में विस्तृत विवरण जो है आपको एमएस माझी में मिलेगा। तो फिलहाल मैं वहां पे जा रहा हूँ और उस वीडियो को बनाने का कोशिश करता हूँ। और मैं अभी यहाँ पे बैठ के प्रस्तावना को शूट किया और जो आप देख सकते हैं हमारे सामने सामने जो बच्चे हैं ये सब हमारे स्कूल गांव के हैं और इन लोग मेरे को देखे तो इतना आ गए हैं, इनको बोला कि स्कूल आना नहीं है यार, दूर दूर रह करके फिर भी यहाँ पे आके बैठे हैं। फिलहाल इन लोग के साथ हम लोग जा रहे हैं चंडी माता का मंदिर को और वहाँ पे क्या होता है दिखाते हैं। तो फिलहाल मैं अभी स्कूल आया हूँ, स्कूल के बाद वहां जाऊंगा, उसके बाद वो शूट शाट करके जो है फिर घर जाने का कोशिश करूंगा। तो बने रहिए वीडियो पे शुरू से लेकर अंत तक और चलते हैं वहां। फिलहाल इन बच्चों के साथ हम लोग उधर जा रहे हैं, देख सकते हैं हमारा स्कूल वहाँ है और हम लोग लगभग हर सोमवार को देखते रहते हैं, यहाँ भीड़ होता है। मन में जिज्ञासा होता था कि आखिर क्यों आते थे, मतलब इस दिन जो है घंटा क्यों बजता था। तो इसके जिज्ञासा के लिए हम लोग मतलब एक दो बार आए तो हमको पता चला कि यहाँ जो है माता का मतलब विराजमान होता है रामचंडी का। तो इसी सिलसिले में हमने भी सोचा कि चलो वीडियो बनाया जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे सुबह से लेकर अभी शाम तक लगभग भीड़ है, लोग जो है आ रहे हैं जा रहे हैं। हमें जिंदगी आती करी महापुर के जगह से सुबह सुबह हमारा होती काल कर्तव्य पूरा होती बेल पत्थर उल्ला चूल जहाँ भी बढ़िया होते फूल पान हमें आनी करी महापुर के दर्शन कर देखूँ। बाल बच्चा भी होती कौन से रामचंडी अरे कौन से रोग व्याध भी हमको नहीं लगवा आसी करी। तो अपना जो वीडियो बन गया रामचंडी वाला वो जो है वो सामने, अब जा रहा हूँ घर। फिलहाल जो है ए क्या कर रहे हो जी, बंद करो ना चंडी, क्या हुआ हैं क्या हुआ ये खोलने इस प्रकार से खोलते हैं, ये देख ये तो खोलते हैं बंद हो गए तो घबरा गए थे क्या हैं ये जो है दरवाजा बंद कर रहा था और अंदर घुसा था फिर दरवाजा बंद हो जाने के बाद ये घबरा रहा था। फिलहाल चलते हैं हम लोग घर और उसके पहले गेट बंद करना पड़ेगा, इनको इंतजार कर रहे हैं, पानी मार रही है लड़की, तो उसके जाने के बाद चलेंगे घर। कैसे जी, चलो जल्दी जल्दी बंद करो। मैं ये बच्चे लोगों को बोला कि मैं चलो रही मेरे साथ स्कूल से, मैं तुम लोग को रास्ते में उतार दूंगा, बोलने से जो है गाड़ी बैठने के शौक में आ गए हैं और बैठे हैं। कैसे जी ये मेरे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, चलो उतरो जी, अब जाओ पैदल हैं, देखो किनारे किनारे जाना, उधर दौड़ के मत जाना ठीक है। मैं आ गया हूँ स्कूल से घर, आज जो है पेज खा के गया था, आने के बाद मेरे को थोड़ा सा भूख लग रहा है लेकिन क्या करें जो खाना को दे दिए हैं और नहीं है तो मैं इसीलिए केला बस खाया हूँ और फिलहाल रात को ही खाना खाऊंगा ऐसे सोचा हूँ। कैसे हो, मेरा सब खाना तो खा लिया यार। ओम को जो है स्कूल से आने के बाद मैं, आप देख सकते हैं ये हमारे देवभोग का, ये आप इधर भूख पड़ रहा है। स्कूल से आने के बाद मैं जो है ओम को, ये आप देख सकते हैं ये देवभोग का तालाब, इसको दरारपन बोलते हैं, तो यहाँ पे ओम के साथ आए हैं, मतलब ओम को लेके मैं आया हूँ। उस समय भी आए थे, मैं यहाँ पे देखा था एक मछली, उसको ओम को दिखाने वाला हूँ। ओम जो है कैसे एक्साइटेड है देखने के लिए, आप देख सकते हैं, वो ये भी देखा था उस समय जब हम लोग आए थे। तो अब देखने के बाद जो है वो वही देख रहा है, ए बेटा गड्ढा है ज़्यादा अंदर मत जा, तो ओम भी जो है देख रहा है और ये करके ए सामने मत जा बेटा, क्या मछली है जानते हो हैं। ओम जो है वो मछली को देख रहा है और उतर रहा है। ये मछली जो है आप देख सकते हैं, ये जो तालाब है बहुत बड़ा तालाब है, इसको जो है पिछले बार गर्मी में वहाँ पे मतलब जेसीबी से उखाड़ के मेड़ को पानी को ख़त्म कर दिए थे, पटा दिए थे बोलते हैं जिसको, तो उसके बाद ये मछली बहुत सारा कहीं से आ गया है, इसको गम्बुजिया मछली बोलते हैं। मैं आपको इस मछली को दिखा रहा हूँ, ये ओम जो है इस मछली को देख के किस प्रकार से एक्साइटेड हो रहा है, देखिए आप। कहाँ पर है ऐसे मछली कभी देखे थे कि नहीं, उस दिन हम लोग आए थे तो आप देखे थे ना। इसको कौन सा मछली बोलते हैं जानते हो, रूप चेहू नहीं बोलते, इस मछली को बोलते हैं गम्बुजिया मछली। क्या मछली, क्या मछली जी, गम्बुजिया मछली बोलते हैं। और ये जो मछली है ना, ये मच्छर का लावा को खा देता है, मच्छर का छोटा छोटा उस बच्चा रहता है ना,
उसको खा लेता है, इसको इसीलिए गंबुजिया मछली बोलते हैं। और इसको तालाब में पालते हैं, ये मच्छर को खा लेता है, मच्छर का छोटा छोटा जो बच्चा रहता है उसको हम आपको दिखा रहे हैं। ओ बेटा गिर जाओगे, ठीक से देखो, अरे मजाक मत समझो, गिर जाओगे, इतना बड़ा ऊंचा जगह से कूद रहा है, गिरोगे तब जानोगे। एक काम करते हैं, दूर थोड़ा जाते हैं उसके बाद देखेंगे, दूर चलो, ए गाड़ी आ रहा है। गिरोगे, सामने मत जाओ। हैं कहाँ इतना बड़ा है, मछली देख लिए जी, कितना कितना बड़ा है। अच्छा क्या मछली बोलते हैं जानते हो, गंबुजिया। उसको रूप चौधरी बोलते, गंबुजिया बोलते हैं, पीला बिया बोलते हैं, तेलपिया बोलते हैं। वो नहीं है, दूसरा वाला है। रुक चुकू को पेड़ चाकू बोल रहा है, क्या बोला वो है, क्या हुआ, क्या हुआ, हाँ बोलो जी। वो तो कल अच्छा दिख रहा है, वो वाला सल्फी पेड़ है, कौन सा पेड़ है, सल्फी पेड़ है, बस लगाए हैं ना उसको। अब तू क्या बोल रहा था, क्या बोल रहे थे, कहाँ कहाँ घूमने गए थे और मछली पकड़ने और कुछ नहीं, और उधर नहीं गए थे खजूर देखने, सेल्फी देखने, तो कैसे मेरे को क्या पेड़ समझे हो क्या। अच्छा ये बता कौन सा मछली पकड़े, और तू क्या वो मछली बोल रहा था, कौन सा मछली बोल रहा था, पेड़ चघू, इसीलिए मेरे ऊपर चढ़ रहा है क्या है, पेड़ चघू है ये, पेड़ चघू मछली गिर गया, मेरे को पकड़ने दे, चल पेड़ चघू मछली। सर भाई मेरे को बुखार हो गया है तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो शाम हो गई है, हम लोग आज बुखार के कारण जैसे जैसे करके वीडियो बनाए थे जी, तो आज का वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।